और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के नतीजों से पहले लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। कल रात में ही सैफई से लखनऊ पहुंचे हैं अखिलेश यादव, कुछ ही देर में पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे अखिलेश यादव और अभी विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर अखिलेश यादव मौजूद है। तो कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं लेकिन उससे पहले लखनऊ में हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। कल रात में ही सैफई से लखनऊ पहुंचे हैं अखिलेश यादव और कुछ ही देर में पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे और अभी फिलहाल अपने आवास पर ही अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो 5 दिसंबर को 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और तब से ही लगातार जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है और कल ये जानकारी मिल रही है, कल सैफई से लखनऊ लौट चुके हैं अखिलेश यादव और कुछ ही देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और कल जिस तरीके नतीजे आने हैं उसे लेकर ये हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। अभी विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने आवास पर अखिलेश यादव मौजूद है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो लखनऊ में आज से ही हलचल तेज हो गई है। जगह जगह जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर सपा ने पहरेदारी करना शुरू कर दिया है, घेराबंदी करनी शुरू कर दी है और अखिलेश यादव सैफई से कल रात को ही लखनऊ लौट आए हैं और लखनऊ में भी अब हलचल देखी जा रही है। कुछ ही देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तो तमाम विधायक है उनके साथ और अभी अपने आवास पर मौजूद हैं जिसके लिए कुछ देर बाद अखिलेश यादव निकल सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लाइव। विवेक, कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं लेकिन उससे पहले राजधानी में हलचल देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव लौट चुके हैं लखनऊ, क्या जानकारी है और किस तरीके की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है कल के लिए? आयुषी, अखिलेश का इंतजार किया जा रहा था यहाँ लेकिन वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अब चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम कल सामने आ जाएंगे। जो भी मेहनत हुई है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब उसके परिणाम कल सामने आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट, जो दो दिन से इंतजार किया जा रहा था अखिलेश यादव का कि वो शीतकालीन सत्र में पहुंचेंगे, सदन में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी के जो आरोप लगे हैं इरफान सोलंकी का जो प्रकरण है उस पर खड़े होकर नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हालांकि वो नहीं पहुंचे। कल रात में वो लखनऊ आए और उसके बाद से सरगर्मियां तेज हो गई है, यानी राजनीतिक माहौल एक बार फिर से लखनऊ का गर्म हो गया है। अखिलेश यादव अब यहाँ पहुंचेंगे, यहीं से कुछ दूर पर उनका बंगला है और बंगले पे वो इस समय मौजूद हैं। इनकी सारी फ्लीट, सारी सिक्योरिटी पहुंच चुकी है वहाँ पे, वहाँ से बंगले से यहाँ ऑफिस आएंगे अपने सपा कार्यालय मुख्यालय पर और उसके बाद यहाँ बैठक लेंगे। चूँकि निकाय चुनाव आने हैं, पंचायत जो निकाय के जो तमाम बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ कई दिनों से जो बड़े पदाधिकारी हैं, दावेदार हैं, जो विधायक का टिकट नहीं पा सके थे वो लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार चक्कर मार रहे हैं। लेकिन प्रचार में व्यस्त होने के नाते समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ नहीं आ रहे थे, अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे थे। अब आज यहाँ पर बैठेंगे तो आज सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि 12:30 बजे मनोज पांडे जो विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वो भी कोई अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने और उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। टिकटों की जो दावेदारी है निकाय चुनाव में, जो अध्यक्ष पद के लिए और तमाम पदों के लिए, पार्षदों के लिए क्या रणनीति तय होनी है, वो यहाँ पर आज उनके सारे नेताओं के साथ बैठक करके जो कमेटी बनाई थी उन्होंने टिकटों को सिलेक्शन के लिए, उस कमेटी के पास जो नाम आए हैं उन पर चर्चा होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रात में ही अखिलेश यादव शायद वापस वहाँ सैफई जाएंगे, मैनपुरी उपचुनावों का जो कल गणना होनी है, मतगणना होनी है, उसमें वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे सक्रिय रूप से और नज़र रखेंगे, जिस तरह से ईवीएम पर लगातार नज़र रख रहे हैं वहाँ अपनी टीम के अध्यक्ष एक मुखिया के तौर पर वो पहुँचेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ जाएंगे रात में। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समाजवादी पार्टी विपक्ष की जो भूमिका में सामने है वो अभी तक दो दिन तक उसका कोई मुखिया यहाँ नहीं था सदन में, यानी जो सबसे जिम्मेदारी की जगह थी वहाँ पर नहीं था, उसको लेकर विपक्ष ने और तमाम, चाहे वो सुभाषपा के अध्यक्ष हों ओम प्रकाश राज पर, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर हमला किया था समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमला किया था कि ये अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं जनता के प्रति तो ये गलत होगा, चाहे उनको आना चाहिए था सदन में, हिस्सा लेना चाहिए था। और अब
आज वो आए हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के ऊपर फिर हमले होंगे, भाजपा सरकार भाजपा नेता फिर हमले करेगी, लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी जो अपनी पार्टी के प्रति है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, अपने नेताओं के प्रति है। तो कल नतीजे आएंगे और उस हिसाब से जो हलचल है वो बढ़ना लाजमी है। विवेक, देखने वाली बात है शीतकालीन सत्र में क्या कुछ और रखता है विपक्ष अपनी तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।